प्रेगनेंसी में यदि आपको पेट दर्द हो रहा है तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पेट में दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और वो सारे कारणों के जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आखिर प्रेगनेंसी में पेट दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, यानी यदि पेट के ऊपरी हिस्से में नाभि के ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है और आपका शुरुआती महीने चल रहे हैं तो डेफिनेटली गैस का दर्द होता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान गैस का दर्द होना या एसिडिटी होना। यदि आपको प्रेगनेंसी में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है तो जनरली गैस्ट्राइटिस होता है, यानी गैस के कारण पेन होता है, अपच के कारण हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में आपको एंटासिड लेने से फ़ायदा पड़ जाता है, इसमें आप इनो वगैरह भी ले सकती हैं या आप सौंफ का पानी ले सकती हैं या सिंपल पानी भी काम कर जाएगा, कुछ आइसक्रीम भी खाने से फ़ायदा पड़ सकता है। अब इसके अलावा आपको यदि गैस का गोला घूमता हुआ लग रहा है, पेट में मरोड़े आ रहे हैं, रुक रुक के दर्द आ रहे हैं, तो कोलिकी पेन होता है, ऐसी स्थिति हो सकती है कि पेट में कोई इन्फेक्शन के कारण ये दर्द हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सिंपल एंटीबायोटिक लेने से काम चल जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और सिंपल दर्द के लिए आप कोई सी भी कोलिकी पेन वाली कोई गोली ले सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में हम आपको सेल्फ मेडिकेशन की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि कोई दवाइयाँ प्रेगनेंसी में बच्चों को नुकसान करती है, इसलिए आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अगला कारण हो सकता है कि यदि आपको यूरिन जाने के बाद दर्द हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो यूटीआई हो सकता है, यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। शुरुआती अवस्था है, यदि पहला दूसरा महीना चल रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है और साथ में पेट में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई अबॉर्शन के साइन सिम्टम्स हों, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको एक सोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि आपका बच्चा हेल्दी है। अब यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका धड़कन बढ़ गई है, घबराहट हो रही है और बहुत डेढ़ दो महीना है, तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी एक समस्या होती है, जिसके अंदर की बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना लगकर ट्यूब के अंदर बच्चा लग जाता है और कई बार ट्यूब फट जाती है, तो ऐसे स्थिति में भी पेट के अंदर सिवियर पेन होता है, तो वो भी एक पेन पेट दर्द का कारण हो सकता है। कई बार ट्यूब के अंदर ना हो के बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही ऐसे किसी दीवार के अंदर चला जाता है, जिसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही कहा जाता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी दर्द बहुत ज़्यादा करती है, तो ऐसी स्थिति में लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए। और यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई सिम्टम है तो डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए, जिससे कि आपका टाइम पर सही इलाज हो सके। पेट में दर्द के साथ ही यदि आपको उल्टियां और दस्त भी हो रखे हैं, तो आपको इंटेस्टाइन के आंतों का इन्फेक्शन होगा, तो आंतों के इन्फेक्शन और इस टाइम पर यदि बहुत ज़्यादा दस्त आपको लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो पानी की कमी के कारण बच्चे का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाकर पानी की ड्रिप ज़रूर लगवा लीजिए और साथ ही साथ एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ले लीजिए, जिससे कि तुरंत डायरिया को रोका जा सके, उल्टियों को रोका जा सके और आपका पेट दर्द ठीक किया जा सके और बच्चे को बचाया जा सके। और भी ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण पेट में दर्द हो सकता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यूट्रस से रिलेटेड भी कई सारी समस्याएं और होती है जो प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपको हो सकता है कि यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड हो सकता है ओवरी के अंदर कोई गांठ बन गई हो, कोई गांठ थी जो ट्विस्ट हो गई हो, घूम सकती है, या फिर आपको एडिनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस का भी कोई पेन हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बट डेफिनेटली यदि आपको प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है तो फिर सोनोग्राफी कराने के बाद आपको क्लियर पता चल पाएगा कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है। जनरल जो पेन होता है वो बहुत गैस्ट्राइटिस हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन या कब्जी का पेन हो सकता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर आपको एक सिंपल नीचे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो वो एक प्रेगनेंसी में ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से भी सिंपल पेन होता रहता है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। और यदि आपको स्पेसिफिक किसी खाने के बाद पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो खाना आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खड़े रह रहे हैं, तो थकान की वजह से भी कई बार पेट में दर्द होता है, तो ऐसे स्थिति में अगर आप लेट जाती हैं, आराम कर लेती हैं, तो पेट दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि गैस के और गैस्ट्राइटिस की वजह से है, तो खाली पेट वाली कई गोलियां आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, उससे भी ये दर्द ठीक हो जाता है। और यदि उल्टियाँ हो रही है तो उल्टियों के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने से भी पेट की मसल्स पर या पेट के नसों पर खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। तो जनरली जो आपका पेट में दर्द का जो कारण है वो आपका डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी का महीना कौन सा चल रहा है और पेट की कौन सी लोकेशन पर आपको पेन हो रहा है। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं और डायग्नोसिस बनाने के लिए जनरली एक सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि सोनोग्राफी कराने से हमें प्रॉपर डायग्नोसिस मिल जाता है और प्रॉपर इलाज संभव है। यदि आपको भी पेट में दर्द है और प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका सवाल हमसे पूछ सकती हैं, हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।